फिन एलन जो कि न्यूजीलैंड की ओपनर है, उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स का वो हाल किया है कि मैं आपको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि T20 के अंदर बल्लेबाजी कैसे होती है, एक नहीं कई सारे रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए हैं। आज फिन न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रहा था और जब फिन एलन खेल रहे थे तो अखीर किस्म की बल्लेबाजी हुई है। एक इनिंग्स के अंदर 16 छक्के, इतने छक्के मारे हैं कि रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले हजरतुल्ला जदई जो कि अफगानिस्तान के ओपनर थे, उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 16 छक्के मारे थे एक इनिंग्स के अंदर, और अब ये रिकॉर्ड आ गया फिन एलन के नाम। बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। और यही नहीं, ये तो शुगर करी कि ये आउट हो गए। पाकिस्तान ने आखिरी 3 ओवर 18 बॉलों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने 27 रन खाए और पाकिस्तान की बचत होगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो 16 ओवर में रन देखे न्यूजीलैंड के, तो न्यूजीलैंड कितने रन लग रहे थे कि बहुत मारेंगे, लेकिन आखिरी 3 ओवर के अंदर हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान ने अच्छा ओवर किया और सिर्फ 27 रन खाए और न्यूजीलैंड ने 224 ही रन कर सका। लेकिन देखा जाए तो ये भी बहुत ज्यादा रन है। लगातार तीसरा मैच और पाकिस्तान को 2 दफा 220 प्लस रन पड़ चुके हुए हैं। और फिन एलन की जहां तक बल्लेबाजी की बात करें, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है यार, इतने छक्के मार दिए। और न्यूजीलैंड की तरफ से T20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा रन करने वाला भी बंदा ये बन चुका हुआ है एक इनिंग्स के अंदर। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। फिन एलन ने बताया कि कैसे खेलते होते हैं, 137 इन्होंने किया 62 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 16 छक्के, 221 का स्ट्राइक रेट। डेविन कॉनवे पूरी सीरीज के अंदर फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन शानदार किस्म की फिन एलन बल्लेबाजी करके दिखा रहे हैं और बताया कि कितने खतरनाक प्लेयर हैं। आपको पता है टिम स्वेफर्ड जो कि कराची किंग्स ने इस प्लेयर को लिया हुआ है, आज वो भी खेल रहा है। 23 बॉलों के ऊपर उन्होंने 31 किया, शानदार किस्म की उन्होंने भी बल्लेबाजी की। डैरन मिचेस को आउट किया, लेकिन फिर भी आप ये देखें कि न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 18 छक्के मारेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 18 में से 16 थे ना, वो फिन एलन नहीं मारे हुए थे। फिन एलन ने एक एक बॉलर का बुरा हाल किया है। हारिस रऊफ को ओवर्स के अंदर कभी 23 पड़ रहा है, कभी 24 पड़ रहा है। हारिस रऊफ को रच के मार पड़ी है, इतनी बुरी तरह से हारिस रऊफ को मार पड़ी है कि आपको बयान नहीं कर सकते। 60 रन हारिस रऊफ को पड़े हैं 4 ओवर्स के अंदर। यही नहीं, नवाज को 44 रन पड़े हैं, शाहीन शाह अफरीदी को 43 रन पड़े हैं, जमान खान एक वाहिद बॉलर था जिसने अच्छी बॉलिंग की, 37 रन जमान खान को मिले हैं और 35 रन वसीम जूनियर को पड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग का हाल था। अभी भी आपने इफ्तिकार अहमद को यूटिलाइज नहीं किया। मैं समझता हूँ कि राउंड छोटा है, बट जिस किस्म की पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है ये तो बॉलिंग नहीं ना होती, क्योंकि देखिए हम सुबह सुबह उठ के मैच देख रहे हैं, 5 बजे के उठे हुए हैं, आंखें फुल लाल हुई हुई हैं इस टाइम पे, उसके बावजूद मैच देख रहे हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये हमारी बॉलिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। हमारी बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग होती थी, और हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के खिलाफ फिन एलन किस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है कि वो बच्चा समझ रहा है, वो ऐसे ऐसे जात के छक्के मार रहा है कि ऐसे शक्ल देखने को दिल कर रहा है कि ये हो तो हो क्या रहा है। इतने खतरनाक सिक्स उसने मारे हैं, लेकिन फिर भी शुक्र है ये 250 आज हो जाना था, ये 250 हो जाना था, लेकिन शुक्र है कि आखिरी 3 ओवर के अंदर हमने अच्छी बॉलिंग कर ली। अदरवाइज तो हमें जितनी मार पड़ रही थी हमें ऐसा लग रहा था कि 250 तो आराम से बोर्ड के ऊपर आ जाएगा और हमसे जिसको कहते हैं फिर ये चेज नहीं होना। लेकिन स्टिल 224 है, पाकिस्तान ने 226 नहीं खाया जो पहले T20 मैच के अंदर खाया था। मिरेकल हो गया एंड के ऊपर, जो पाकिस्तान की बचत हो गई। फिन एलन जो आउट हो गया, जमान खान को क्रेडिट जाएगा कि जमान खान ने पाकिस्तान को बचा लिया फिन एलन को आउट करके। अब देखते हैं आगे जाके पाकिस्तान क्या करता है, बट फिलहाल के लिहाज से जो फिन एलन ने किया है ना, ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, इनके साथ ना यही होना चाहिए था, इनका ऐसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए था जिस तरह की ये बॉलिंग कर रहे हैं ना। हारिस रऊफ को तो ऐसे से दांत के फेंटे पड़े हैं ना, शाहीन शाह अफरीदी हर बॉलर को उसने रगड़ा लगाया और बताया कि ऐसे क्रिकेट खेलते होते हैं, और ये कहां के तुम लोग वर्ल्ड क्लास बॉलर बनते हो, कहां के वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, किधर के हो, यहाँ तुम लोग वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं हो, यहाँ पे मैं ही अकेला वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हूँ। और उसने मार मार के फेंटा लगा के इनको बताया कि ऐसे खेलते होते हैं, ये होती है क्रिकेट, ये होती है T20 क्रिकेट। मजा आ गया देखने का फिन एलन का बल्लेबाजी, लेकिन उतना ही दुख हुआ, उतना ही जिसको कहते हैं ना दिल टूटा है।